अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मेरा घर गिरा दिया गया है सर। आ? किसकी हिम्मत हुई आपका घर गिराने की? ये मैडम की। क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, आपको जो घर गिराना था वो 14/2 वाले नैनसुख जी का गिराना था, और आपने मेरा घर गिरा दिया 2/14 वाला। इनके सॉरी बोलने से मेरा नुकसान तो पूरा नहीं होगा ना सर, भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। कितना नुकसान हुआ है? 2.5 लाख, 5 लाख रुपए का। इस मॉडर्न औरत की वजह से हमेशा मैं नुकसान उठाना पड़ता है। आका बोले? कुछ नहीं, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और इनके उनकी भरपाई करो। हाँ हाँ जरूर, आप तान से ना ही लीजिए, 5 लाख देंगे और 2 लाख ऊपर से मकान बनाने का भी देंगे। औरत नेक्स्ट। अबे ये किस टाइप के प्रणाम कर रहे हो बे? हाँ भाई, समस्या क्या है? मेरा नाम टीका है गो। ये तुम्हारी समस्या है? तो फिर दाग रख लो या फिर धब्बा। मेरा नाम टी कुछ नहीं हैगा। अरे समस्या बताइए समस्या। साहब हम बहुत गरीब हैं। तो ये तुम्हारी समस्या है? अरे नहीं नहीं साहब, ये हमारी समस्या नहरी है। अरे तो क्या समस्या है बोलो ना। माय बाप, हमें काम की सख्त जरूरत थी, फिर मास्टर साहब ने अपने घर पे हमें काम पे रख लिया पूरे 4,000 रुपए पर। अबे तो ये समस्या है? मालिक समस्या ये है रही है कि माँ साहब ने ना हमें काम पे रखने से पहले एक बात कही कि घर की साफ सफाई करनी है, बच्चन को खिलाना है और राशन पानी को 100 लेकर आना है। कसम खा के कह रही हूँ माए बाप, काम पे रखने के बाद जो मास्टर साहब ने रंग दिखाना शुरू किए। कैसे रंग? माँ साहब ने अपने पर्सनल काम हमसे कराबे शुरू कर दिए। उन्होंने हमसे खाना बनवाओ, जहाँ तक कि उन्होंने अपनी मालिश भी करवाई। एक दिन तो गजब है गो सरकार, उन्होंने अपने 3-4 दोस्त बुला लाए घर पे और बोले कि इनके भी मालिश करो। हमने बाकी भी मालिश कर दी। बहुत गलत है रहे हमारे साथ माले। जैसे तैसे करके माए बाप हम दोनों बस अपनी इज्जत बचा पाए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक तो तुम्हें रोजगार दे, ऊपर से हमें बदनाम कर रहे हो। टीका टिल्लू अभी तुम जाओ बेटा, अभी थोड़ा सा हम थोड़ा मंथन करेंगे। भाई भाई बस हो गया। अच्छा। अबे निकल, अब तुम चाय लेके आओ, मैं भी वहीं टसुए बहाओ। यस जाओ। हाँ तो ओ मां साहब क्या कहते हैं? किस बारे में भैया? भैया नहीं सर, स्पेशल कलेक्टर हैं। सर किस बारे में? ये लॉन्डर ने आपकी शिकायत की है। हम चाहते तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दे सकते थे, लेकिन हमने आपको दी नहीं। आपकी मेहरबानी है। मेहरबानी से काम नहीं चलेंगे, मेहरबानी करते रहेंगे तो खाएंगे गुइया। हम समझे नहीं बब। यहाँ ये तनिक 5 लाख रुपया कलेक्ट्राइन को दे दीजिए। ये तो बहुत ज्यादा है भैया। नहीं तो 5 साल के लिए तड़ी पार कर देते हैं, लौंडों के साथ नाइंसाफी की है आपने। ठीक है भैया, हम 5 लाख रुपए दे देंगे भाव, मतलब कलेक्ट्राइन साहब को। चलिए कलेक्ट्राइन। अजी कल्टीवेटर साहब। ये तेरा कलेक्टर साहब। ऐसे ही पकड़े हैं। मास साहब तुमको 5 देंगे, रख लेना, हम तुमसे बाद में ले ही लेंगे। ठीक बा। नहीं नहीं भूरी, नहीं हम ना सच्ची तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम हमको कॉकरोच लहसुन भी ना ही बोली रही।
अरे भाभी जी वो कंग्रेचुलेशंस होवे है। आ सही पकड़े हैं। अब तुमको पता है ना कि लड्डू के भैया और हम जो है वो मॉडर्न कॉलोनी के नेल कटर बन गए हैं। भाभी जी आप कलेक्टर करना चाह रही हैं? आ सही पकड़े हैं। हाँ चलो अभी कॉल रखते हैं। बाय बाय। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, कहिए। वो आपको 5 देने थे ना, अंदर आके दे दे। दिया? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोनो भारी भरकम रकम देने वाले हमको। भाभी जी आपके लिए भारी भरकम रकम नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए तो है ना। अलाइए दीजिए। यहाँ ऐसे सबके सामने बाहर से देंगे, कोई देख लेगा तो आपके और कलेक्टर साहब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इका बच्चों जैसा बात कर रहे हैं, 5 रुपए ही तो दे रहे हैं, कोनो 5 लाख तो ना ही दे रहे हैं, और वो भी वल्गैरिटी के लिए। क्या आप वो चैरिटी करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, आप 5 रुपए समाज कल्याण के लिए दे रहे हैं ना। 5 रुपया? हाँ, हमको लड्डू के भैया बोले रहे कि मास्टर जी आएंगे तो उनसे 5 ले लेना। अल्लाह ये 5 रुपए। भाभी जी 5 रुपया हमारे पास छूटा तो नहीं, ये हाँ 50 रुपया ये आप रख लीजिए, हम खुशी खुशी दे रहे हैं, रख लीजिए ना। दिया, देखिए हम बहुत ईमानदार हैं। हाँ हम ऐसे पैसे ना ही रखते हैं। एक दो मिनट रुकिए आप। ई रहे 20 20 और ई रखिए 45 रुपए और ई रहे आपके 5 रुपए। ये हम लड्डू के भैया को दे देंगे हिसाब बराबर। भगवान कितने अच्छे लोग हैं। भाभी हमारा बचपन से ही कलेक्टर बनने का सपना था। अरे वाह, ये मोर मसूर की दाल। इस आदमी ने कुछ कहा भाभी? मैंने ये कहा कि मसूर की दाल बड़ी अच्छी बनी, ट्राई करिए ना। कलेक्टर आए ने इस आदमी से कहो हमें डिस्टर्ब ना करे। देखिए भरभूति जी आप कॉल कटर को डिस्टर्ब ना ही कीजिए। भाभी जी इट्स डोंट करेक्ट माय वाइफ अगली, इट इज कलेक्टर। गलत पकड़े हैं। आए? आप कलेक्टर आए इनको पगली पगली ना ही बोल सकते हैं। अरे आई आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कलेक्टर आई। सही पकड़े हैं। इट्स सो फनी राइट। भाभी आप ये नौकरों को मेहमानों को खाना खिलाना आता नहीं है। देखिए कलेक्टर साहब यहाँ कोई नौकर नहीं है। हमें तो दुई दुई नौकर नजर आ रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहा कच्चा बनिया तू? आए? अब चाचा जी सुनिए ना, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। क्या है? चलिए एक मिनट सुनिए। तो यही बोल दे ना। चाचा जी विभू तुम भी चलो जब कम। क्या नहीं तू यही बोल दे ना। Excuse me, नहीं चाचा बोल ना, क्या बात है? सुनिए ना कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए सुनिए। क्या इम्पोर्टेंट बोल दे, क्या है बोल ना। चाचा जी क्या है, आप क्यों एक बड़े अफसर के मुंह लग रहे हैं? तुम भी वो बड़ा अफसर जो है वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, उसका क्या? आप भूल रहे हैं वो एक स्पेशल कलेक्टर है। स्पेशल कलेक्टर तो क्या हुआ, हमारे सर पे बैठ के अपना वो लघु शंकाएं करेगा? नहीं जो भी शंकाएं ना कर लेने दो यार, तिवारी जी हमारे लिए बहुत काम की चीज है। व्हाट टॉकिंग? तुम रहने दो, हिंदी बोल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।